Hello students, welcome to ncrt Exercise Solution Series. In the previous episode, we have finished till question number seventeen of miscellaneous exercise. Here we are going to start from question eighteen onwards. So let's start the lecture with the motivational quote. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए हमारे पास क्वेश्चन है इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फ़ा वेयर अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट है ओके सो हमारे पास ये क्या है साइन क्यूब एक्स है तो इसको अगर मुझे रूट से अगर मेरे को बाहर लेना है तो मैं इसको कैसे ले सकती हूँ इधर साइन स्क्वायर एक्स ले सकती हूँ और अगर मेरे पास ये साइन फोर एक्स होता तो मैं इसको आउटसाइड द रूट ले सकती थी तो मैं क्या करूँगी इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए साइन क्यूब एक्स इसको मैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई और साइन एक्स से डिवाइड कर देती हूँ ओके साइन एक्स से मल्टीप्लाई साइन एक्स से डिवाइड तो ये क्या हो जाएगा साइन फोर एक्स हो जाएगा जिसको मैं रूट से बाहर ले सकती हूँ एंड इट बिकम साइन एक्स तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ मेरे पास साइन एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन सॉरी साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है साइन एक्स से मल्टीप्लाई साइन एक्स से डिवाइड किया देखिए ध्यान से एंड ये मेरा साइन फोर एक्स हो गया तो साइन फोर एक्स को मैंने रूट से बाहर ले लिया तो ये साइन साइंस एक्स हो गया और यहाँ पे मेरे पास ये टर्म जो है वो बच जाएगी यहाँ पे साइन एक्सप्रेस अल्फा कौन साइन अल्फ़ा ये मेरे पास रह गया ठीक है तो ये हो गया मेरे पास क्यूब था मैंने साइन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया पहले मैंने यहाँ पे गलती से अल्फा लिखा था तो ध्यान देंगे चलिए अब हम इस टर्म को अगर मैं टी लेट कर लेती हूँ ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं देखिए टी लेट करती हूँ सपोज इस टर्म को तो यहाँ मैं जब डी टी लूँगी तो मुझे क्वेश्चन ट्रू लगाना पड़ेगा और मेरा साइन स्क्वेर एक्स टर्म मिल जाएगा जो कि इसके साथ कैंसिल हो सकता है ठीक है तो अभी देखते हैं लेट कर रही हूँ मैं साइन एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स को टी राइट right? अगर मैं इसको टी लेट करती हूँ तो डी टी बाय डी एक्स मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वेर एक्स साइन एक्स ठीक है डेरीवेटिव ऑफ दिस कॉस एक्स प्लस अल्फा माइनस क्वेश्चन लगा रहे हैं हम यू बाय वी रूल ठीक है इज़ डेरिवेटिव 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 ऑफ़ ऑफ़ का राइट अब ये यहाँ मेरे पास यहाँ मैंने U बाई वी रूल लगाया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये मेरे पास क्या है फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बी ले रहे हैं हम एक्स प्लस अल्फ़ा को तो ये मेरा किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का साइन ए माइनस बी का ध्यान रखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ करने जा रही हूँ साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ठीक है जहाँ ए यहाँ पर आपका ये है और बी मेरा ये है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस बी ए माइनस बी करेंगे बी ए पूरा है मेरा और नीचे साइन स्क्वायर एक्स अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे ठीक है डी टी बाई डी एक्स इजिकल्स टू अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मेरे पास एक्स माइनस एक्स माइनस अल्फा मिलेगा और नीचे साइन स्क्वायर एक्स है ठीक है तो ये मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन ये मेरे पास साइन माइनस अल्फ़ा रहेगा इजिकल्स टू डी एक्स साइन माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा ये हम जानते हैं कोई भी फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ आता है तो मैं आपको वो बताती हूँ ध्यान दीजिए अगर नहीं भी याद है तो एटलीस्ट अब पढ़ना शुरू कीजिए उसको अभी लर्न करना मेमोराइज़ करना उस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन अल्फा डी टी इजिकल्स टू डी एक्स ठीक है तो यहाँ पर अभी तक मैंने कोई वैसी चीज़ नहीं यूज़ की इनफैक्ट जो प्रीवियस कंसेप्ट हैं उन सब को भी मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ यहाँ बस मैंने ये डिटेल नहीं लिखा यू बाई वी रूल यूज़ किया है ये आप बहुत बार यूज़ कर चुके हैं तो ये आपको लर्न होना चाहिए क्या है यू by बाई यू बाई वी रूल एनी चलिए आगे देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन ये क्वेश्चन था मेरे पास अब मैंने डी निकाला इतनी मेहनत करके dx निकाला है तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर ये dx -एक्स, एक्स आ गया मेरा नाव देखिए डी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ साइन स्क्वायेर एक्स डी टी अपॉन साइन अल्फा और साथ में क्या है मेरा यहाँ पर देखिए साइंस स्क्वायर एक्स है है ना साइंस स्क्र एक्स है अभी तो डी एक्स इतना बड़ा सा तो डी एक्स इतनी मेहनत करके निकाला वो लिखा ना साथ में देखिए साइंस स्क्र एक्स है और ये है मेरे पास इस टर्म को मैंने पूरा टी लेट किया था तो ये क्या हो जाएगा मेरा देखिए रू टी राइट ये मेरा माइनस कॉमन निकल चुका है साइंस स्क्सेस एस साइंस स्क्वास साइंस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया है मैंने इसलिए वहाँ पर साइंस स्क्र एक्स लेट किया था सॉरी ये इस टर्म को मैंने टी लेट किया था क्योंकि मैंने आपको ये बोला था ना कि इसका जब यू बाई वी लगाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा उससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा देखिए कैंसिल हो गया अच्छा डी टी और ये साइन अल्फा का मत कर दीजिएगा इंटीग्रेशन अल्फा इज़ कांस्टेंट तो वो हमारा आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल निकल जाएगा ठीक है अब माइनस वन अपॉन साइन अल्फा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब हम सिर्फ इसका इंटीग्रेशन रह गया है टी की पार माइनस वन बाय टू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा टी की पार माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी तो ये अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया देखिए ये मेरा आई इजिकल्स टू और आईजिकल्स टू फॉर्मेट में ही उसको रखिए ठीक है, है? माइनस वन अपॉन साइन अल्फा और ये मेरे पास हो जाएगा टी की पावर वन बाय टू विच इज़ रूट टी और ये वन अपॉन टू तो टू मेरा न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये मेरा रूट टी हो जाएगा प्लस सी अब मैं आई को रिप्लेस कर देती हूँ आई मेरा क्या है सॉरी नॉट आई टी में को रिप्लेस कर देती हूँ टी मेरा क्या है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स ये था मेरा टी और ये प्लस सी तो ये मेरा आंसर हो गया यहाँ पे ये वन बाय टू आएगा टू गोज अप तो ये हो जाएगा मेरा ठीक है ये प्लस वन बाई टू आएगा नॉट माइनस माइनस साइन वो एज इट इज रह जाएगा तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स रूटेक्स माइनस कॉस इनवर्स रूटेक्स अपॉन साइन इनवर्स रूटेक्स प्लस कॉस इनवर्स रूटेक्स ठीक है तो इसका मुझे क्या करना है इंटीग्रल सॉल्व करना है वेयर एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो टू वन ठीक है तो so, यहाँ पर साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का जो डोमेन होता है दैट इज़ माइनस वन टू वन है रूट एक्स है इसलिए डोमेन हमारा जीरो टू वन इन्होंने लिखा है माइनस वन से माइनस uh, वन से ज़ीरो जो है वो इसका डोमेन माइनस वन से ज़ीरो तक नहीं हो सकता तो इसलिए एंड दूसरी चीज़ आपको इस क्वेश्चन को जानने के लिए एक आइडेंटिटी है इनवर्स के लिए वो याद रखनी पड़ेगी विच इज़ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है पाए बाय टू होता है वेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन ठीक है तो ये ध्यान रखिए साइन इनवर्स थी एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्सेस पाई बाय टू तो उसी तरह से हम यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स को भी हम क्या लिख सकते हैं पाई बाय टू वेयर एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो टू वन ठीक है 2, to to तो अगर हम यहाँ पे इसको पाई बाय टू लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा मेरा पहले मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेती हूँ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स राइट तो इसको मैं पाई बाय टू लिख रही हूँ वो आइडेंटिटी लगाई तो पाई बाय टू बिकम्स टू बाय पाई रेसिप्रोकल होके और यहाँ मेरे पास साइन इनवर्स रूट एक्स इस कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह में पाए बाय टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकती हूँ वही आइडेंटिटी मैंने लगाई है उस ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज़ मैंने यहाँ पर भी किया है और यहाँ पे भी लिया है अगर मैं इसको पाए बाय टू लिख सकती हूँ तो सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकती हूँ बताइए जरा कॉस इनवर्स एक्स को पाए बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकती हूँ राइट हाँ जी तो इसको मैंने ऐसे लिखा नाउ इट इज़ डी एक्स अभी मेरे पास टू बाय पाई हो गया और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस और ये प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और दिस प्लस दिस ये टू साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा माइनस पाई बाय टू और ये मेरा हो गया डी एक्स अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है आपका मल्टीप्लाई कीजिए फोर बाय पाई साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस इस टर्म को सेकेंड टर्म से भी देन वी विल गेट डी एक्स ऑनली राइट अब देखिए क्वेश्चन इसका तो डिफरेंट इंटीग्रेशन सिंपल है ठीक है इसका इंटीग्रेशन को मैं सब आई वन लेट कर लेती हूँ और इसका इंटीग्रेशन ये और प्लस सी तो मैं आई वन जिसको मैंने लेट किया है वो इंटीग्रल मैं निकालूंगी और उसको मैं इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दूँगी सो आई वन मैंने किसको लिया है साइन इनवर्स रूटैक्स अब साइन इनवर्स रूटैक्स को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखिए डॉट वन लगा के यू वी रूल आप कर सकते हैं लेकिन जब मैंने बायपार्ट्स किया था तो मैंने आपको बताया था अगर आप साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स एक्स का बायपार्ट्स कर रहे हैं तो उसको टी सब्स्टिट्यूट करके कीजिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा डायरेक्ट उससे भी आ जाएगा बट उससे थोड़ा सा इंटीग्रल टफ हो जाता है तो देखिए यहाँ मैं क्या करने जा रही हूँ ध्यान से देखिए साइन इनवर्स एक्स को मैंने सपोज कीजिए टी कंसीडर किया तो साइन टी मेरा क्या हो जाएगा एक्स हो गया राइट अब देखिए साइन टी जो है सॉरी साइन टी मेरा क्या हो गया रूट एक्स हो गया राइट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कॉस टी ये उधर हमारा गया साइन टी इजिकल्स टू रूट एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस टी डी टी रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा वन अपॉन्ट टू रूट एक्स डी एक्स राइट अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है डी एक्स की वैल्यू तो ये इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे टू रूट एक्स कॉस टी डी टी इजिकल्स टू डी एक्स और रूटैक्स क्या है मेरा साइन टी तो ये मेरा टू साइन टी कॉस्टी हो जाएगा डी टी और टू साइन टी कॉस्टी क्या होता है साइन टू टी टू साइन थीटा कॉस्ट थीटा साइन टू थीटा तो याद रखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन टू टी डी टी इजिकल्स टू डी एक्स राइट अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस यहाँ पर भी अभी कुछ सब्सिच्यूशन में यूज़ करना पड़ेगा उसको मैं आपको फिर बताती हूँ जहाँ जब यूज़ करना होगा अभी हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं सो आई वन क्या हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स इज़ टी एंड डी एक्स इज़ साइन टू टी डी टी साइन टू टी डी टी इज़ डी एक्स ठीक है अब यहाँ पर आराम से बायपार्ट्स लगाइए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया आराम से आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा विद इन द पार्ट्स देखिए यू वी आई एल ए, ए टी सो इसको हम U हम इसमें T को लेट करेंगे और V को साइन टू टी लेट करेंगे और सिंपल हम यहाँ पर बायपार्ट्स लगा देंगे सो u integration of v minus d by dt of u integration of v right अगर बायपार्ट्स नहीं है अच्छे से तो वापस सेवन पॉइंट सिक्स एक्सरसाइज जो है उसको कीजिए स्टार्टिंग से बिगनिंग से अच्छे से आपको पूरा एक्सरसाइज फिनिश होते होते बहुत बढ़िया ढंग से बायपार्ट्स आ जाएगा चलिए आई वन टू टी दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू टी इज माइनस कॉस टू टी डिवाइड बाय टू ये डिवाइड बाय टू मत भूलिएगा बिकॉज साइन टू टी कर रहे हैं टू टी को कुछ वेरिएबल लेके करना पड़ेगा नहीं तो टू टी का डिफ्रेंशिएशन और उससे इसको डिवाइड याद रखेंगे यहाँ पे इसका तो वन होगा डेरिवेटिव ये माइनस कॉस टू टी होगा बाई टू एंड डी टी अभी सिर्फ इसका किया है ये वाला डी टी अभी है सो so, देखिए जरा माइनस टी बाय टू कॉस टू टी राइट प्लस वन बाय फोर हो जाएगा ये बताती हूँ कैसे कॉस टू टी का क्या करेंगे साइन टू टी माइनस नहीं होता इंटीग्रेशन कर रहे हैं cos का ठीक है साइन का माइनस कॉस कॉस का साइन और टू टी का वापस से करेंगे डिवाइड बाय टू और टू से मल्टीप्लाई होगा तो वो फोर हो गया मेरा और प्लस सी वन ले ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सी लिया हुआ है इसको देखिए अब हमें टी को वापस एक्स में कन्वर्ट करना देखिए कितना इजी काम है वापस उसको कन्वर्ट करना टी को एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल है सो so, अब देखिए कॉस टू टी को कैसे कन्वर्ट करेंगे तो कॉस टी टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं ठीक है नहीं तो टी को भी हम टी को भी हम बाद में ही करते हैं टी इसको हम फॉर्मूला लगाते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी का डिवाइड बाय टू प्लस वन बाय फोर इसको मैं टू साइन टी कॉस टी लिख सकती हूँ ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं तो ये माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स राइट टी क्या है मेरा साइन इनवर्स रूट एक्स और इसको मैं मल्टीप्लाई अभी नहीं करती हूँ वन माइनस टू साइंस स्क्र टी साइंस स्क्र टी देखिए अगर साइंस स्क्वायर टी की बात करें साइन टी रूट एक्स है तो साइंस स्क्र टी क्या होगा मेरा एक्स होगा ओनली ठीक है अपॉन टू और यहाँ पे मेरे पास कट जाएगा वन बाय टू t क्या है मेरा रूट एक्स है साइन टी मेरा रूट एक्स है कॉस्टी अब देखिए साइन टी अगर रूट एक्स है तो देखिए कॉस्टी क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी होगा ना फॉर्मूला कॉस्क्र टीटा प्लस साइन स्क्ट टीटा वन होता है तो साइन स्क्वेयर टी क्या होगा एक्स तो साइन स्क्वायर टी है ना वहाँ पे तो सिंपल एक्स हो जाएगा तो अंडर रूट अंडर रूट वन माइनस एक्स होगा ये प्लस सी वन ठीक है ये आ गया मेरे पास आई वन बिल्कुल सिंपल तरीके से आया है कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ठीक है हम आ, हमने इसमें कॉस टू टी को वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी में लिखा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला और साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाया या कॉस टू थीटा की जगह टू कॉस स्क्वायेर थीटा माइनस टू कॉस स्क्र टी माइनस वन करके भी लिख सकते थे तो कॉस टी की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ता आपको ठीक है से आंसर रिजल्ट सेम आता अब मेरा आई वन निकल चुका है ठीक है देख लीजिए अब i1 को यहाँ सब्सट्यूट करना है और फाइनल आंसर आ जाएगा तो देखिए आई इजिकल्स टू फोर बाय पाए अब देखिए i1 ध्यान से सब्स्यूट कीजिए क्या है माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स वन माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस अब देखिए इसको अगर मैं रूट के अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये एक्स हो जाएगा राइट right? और ये कितना हो जाएगा मेरा ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ओके okay? सो so, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स माइनस एक्स बाय टू ठीक है और इधर क्या है मेरा माइनस एक्स प्लस सी ठीक है अब मैंने सी वन और उस सी को एक ही उसमें ले लिया ठीक है तो ये मेरे पास हो गया अब हम क्या कर सकते हैं फोर बाय पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा टू बाय माइनस टू साइन इनवर्स रूट एक्स वन माइनस टू एक्स अपॉन पाए बिकॉज टू से ये कैंसिल हो गया मेरा ठीक है प्लस फोर पाई को इससे करेंगे तो टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वेर बाय पाए राइट क्योंकि ये भी टू मेरा कैंसिल हो गया और माइनस एक्स प्लस सी तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर Here we have finished till question number 19. In the next episode, we will be doing from question number 20 onwards. So, till then, keep practicing.